रविवार को बिहार शरीफ के डॉक्टर्स कॉलोनी में रोटरी क्लब ऑफ बिहार शरीफ द्वारा 9 से 20 वर्ष तक की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के टीके लगाए गए। उक्त बातों की जानकारी देते हुए क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि 6 माह पूर्व हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर की पहली डोज बच्चियों को लगवाया था और आज यह दूसरा डोज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैंसर से मरने वालों में से अकेले 16% मौतें केवल सर्वाइकल कैंसर से प्रति वर्ष होती है, मगर जिन बच्चियों को यह टीके लगाए जा चुके हैं ये लोग कम से कम एक बीमारी से पूरे जीवन में बचे रहेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में लोगों को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि लोग अपनी अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का टीके जरूर लगवा सकें। तो जैसे पता कर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज रोटरी क्लब बिहार शरीफ के द्वारा 9 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष के लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का दूसरा डोज लग रहा है। 6 महीने पहले हम लोगों ने पहला डोज लगा दिया था, आज उन्हीं बच्चियों का दूसरा डोज दे रहे हैं। और आपको पता होगा कि सर्वाइकल कैंसर से हमारे देश में लगभग 16% जो कैंसर से डेथ होता है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से होता है, और इसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अगर बच्चों में ये जल्दी से इसका सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन का दे दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग बच्चों का आज हम लोग दूसरा डोज दे रहे हैं उन लोगों को सर्वाइकल कैंसर कभी नहीं हो पाएगा और कम से कम एक बीमारी से उन्हें बिल्कुल निजात रहेंगे। और उम्मीद है कि ये मैसेज कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन आपके बच्चियों को लगना चाहिए, ये जन जन तक जाना चाहिए ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। हालांकि ये थोड़ा सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन थोड़ा महंगा है, हम लोगों ने जितना रियायत हो सकता है उतना हमने किया है ताकि बच्चे लोग और आगे आए और अपना वैक्सीन दिलवा सकें। धन्यवाद। रोटरी क्लब ऑफ बिहार शरीफ निरंतर स्वास्थ्य संबंधी कार्य करता है और इस संदर्भ में हम लोगों ने 20 दिसंबर को 25 बच्चियों का सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा हेतु टीकाकरण कार्यक्रम किया था और आज उसका सेकंड डोज है। खास बात यह है कि हम लोग इसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है बट उसमें हम लोग रोटरी इसका खर्च उठा रही है 50% और 50% हम लोग गार्जियन से ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कैंसर अत्यंत जानलेवा है और बड़ी अच्छी बात है कि ये टीका पड़ जाने से ये बच्चियां सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित हो रही, तो यही उद्देश्य है और इसीलिए हो रहा है। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रहेंगे। के द्वारा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया जिसमें 25 बच्चियों को वैक्सीन दिया गया सर्विक्स के रूप में, और ये दूसरा चरण है। पहला चरण हम लोग 20 दिसंबर 2020 को हम लोग फर्स्ट डोज दिए थे, आज सभी बच्चियों को सेकेंड डोज दिया गया। और रोटरी क्लब बिहार शरीफ ये जो है सो हमेशा सामाजिक काम करते आया है। इस वैक्सीन के लग जाने से भविष्य में सर्वाइकल कैंसर में नहीं होगा और उसमें बचाव होगा। ये कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है जो कि बाद में सर्वाइकल कैंसर होने का चांस होता है इस वायरस से। तो इसी को बचाव के लिए हम लोग सर्वेरिक्स जो कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन है उसको हम लोग 25 बच्चियों को दिए हैं। धन्यवाद। रोटेरियन डॉक्टर मनोज कुमार, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ बिहार शरीफ।